आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन इनसाइड अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन विद द एक्सेलरेशन g/4 द मशीन शोस। तो मैं पहले समझा देता हूँ लिफ्ट किस बेसिस पे काम करती है। मतलब ये अगर कोई लिफ्ट है तो ये वेइंग मशीन अगर इसके अंदर रखी है तो ये कैसे काम करेगी। तो मान लो ये लिफ्ट का जो पैर है, ये वेइंग मशीन है और इस पर हमारा आदमी खड़ा है, ऐसे इसके पैर बना दिए मैंने, ये हमारा आदमी खड़ा है, ठीक है। तो जो क्या है, मान लो कि ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो मैं इसका जूम करके फिगर बनाता हूँ। तो ये मान लो इसका पैर है, अब यहाँ से ये लिफ्ट जो है ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है, तो यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल यहाँ पे इस जगह पे, वो होगा m into a। ये जो लिफ्ट लगा रही है, लेकिन इसमें जो है mg फोर्स भी नीचे आ रहा होगा, और जो क्या है ये एक्सेलेरेशन ए से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से जो है अगर मैं यहाँ छोटा सा पार्टिकल रख दूँ जिसका मास, जिसके पास बहुत कम मास है, तो उसका नॉर्मल mg प्लस, तो एक्सेलरेशन ए से ये फोर्स लगेगा ना, ठीक है, फोर्स लगेगा, इसको मैं नॉर्मल नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल अलग से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जो ये सरफेस है ये फोर्स लगा रही है एम ए, तो ये जब ये पैर को यहीं खड़े रहने के लिए इसके ऊपर नीचे फोर्स लगाना पड़ेगा एम ए, ठीक है। तो यहाँ से जो है नेट फोर्स जो आ जाएगा जो नॉर्मल के बराबर होगा, क्योंकि ये पैर हिल नहीं रहा है, तो टोटल फोर्स जो आएगा वो आएगा एम ऑफ जी प्लस ए, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एफ नेट, तो ये आ जाएगा एम ऑफ जी प्लस ए। तो अगर है तो ये आ गया, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन अगर नीचे है तो डायरेक्शन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, तो ये तो आ गया जब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो एफ जो आएगा वो आएगा एम ऑफ जी माइनस ए, और एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो पे एफ जो आएगा वो आ जाएगा एम जी। ये तीन आ गए हमारे पास। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, जब लिफ्ट नीचे जा रही है गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए g/4 द मशीन सोर्स रीडिंग 30 kg, तो जब नीचे जा रही है तो नीचे का जो फोर्स था वो ये वाला था, तो यहाँ पे जो है फोर्स जो लगा एम ऑफ जी माइनस से, यहाँ पे तो जो मशीन रीडिंग करेगी वो 30 kg कर रही है, तो ये बाय 10 करके बता रही है अभी, तो 300 N बता रही है मशीन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, व्हेन द लिफ्ट गोज अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/4 देन फाइंड द रीडिंग। तो जो एक्सेलरेशन है वो g/4 है दोनों में, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, तो ये हमको दिया गया है m into g - g/4, ये हमको दिया है 300, तो m into 3g/4 ये हमको दिया है 300, ठीक है। अब आगे बोल रहे हैं कि जो जब ये ऊपर जा रही होगी तो इसकी रीडिंग कितनी होगी, तो यहाँ से जो है हमें पूछा जा रहा है m into g + a, तो g + a क्या है g/4, तो यहाँ से जो आ गया 5g/4 into m, इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू बतानी है हमको, ये पता है, तो 3 से कैंसिल करते हैं, यहाँ आ जाएगा 100, तो mg/4 जो है वह आ जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ से जो है, अब यहाँ से mg/4 की वैल्यू हमको पता है, वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 5 mg/4 की वैल्यू है 100, तो mg/4 की वैल्यू है 100, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 500 N। लेकिन हमारा जो वेइंग मशीन है वो वेट मतलब मास बाय 10 जी से डिवाइड करके अपना वेट बता देगी, मतलब मास बता देगी। तो यहाँ से जो है हमारा जो रीडिंग आएगी वेट मशीन की वो आ जाएगी 500 by 10 50 kg, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शंस पर देखें तो ऑप्शन सी यही कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।